आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर हर किसी के मन में कौतूहल और सवाल रहते हैं, लेकिन इसे लेकर सरकारें और स्पेस रिसर्च सेंटर्स चुप्पी साधे हुए हैं। अमेरिका और इसराइल दुनिया के दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी टेक्नोलॉजी और रिसर्च का दुनिया में कोई सानी नहीं, बात चाहे हथियारों की हो या फिर नए इन्वेंशंस की। अमेरिका और इसराइल इसमें सबसे आगे हैं। किसी वक्त इसराइल की स्पेस डिफेंस सिक्योरिटी के हेड रहे हैम इशेद ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। इशेद ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल एक साथ मिलकर एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एलियन का अस्तित्व है और ये बात अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। वो कौन है? वो कहां से आए? वो कहां रहते हैं? क्या मंगल ग्रह पर है एलियंस का ठिकाना? क्या है एलियंस की मौजूदगी का सच? These are images of archaeological digs. कितना सच है इसराइल का दावा? क्या हैम इशेद ने देखा है एलियन? क्या ट्रंप जानते हैं एलियंस के राज? क्या है अमेरिका के एरिया 51 का सच? सिर्फ कहानियां नहीं, एलियन मौजूदगी के सच्चे सबूत। एलियन एनकाउंटर। 30 साल तक इसराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले 87 साल के हैम इशेद ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में एलियंस की मौजूदगी को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। हैम इशेद ने कहा है कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं और उनका अमेरिका और इसराइल के साथ संपर्क भी है। यही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात से वाकिफ हैं। हैम इशेद ने अपने इंटरव्यू में कहा कि एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए सिर्फ छिपा कर रखा है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं। हैम इशेद के मुताबिक एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो कि अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक रिसर्च बेस चला रहा है और इसी रिसर्च को लेकर सवाल ये कि क्या वाकई एलियंस हैं। एलियंस के अस्तित्व को लेकर जब सवाल है तो हैम इशेद का कहना है कि अमेरिका और इसराइल तो उनके संपर्क में भी हैं, ये जानते भी हैं, लेकिन दुनिया को वक्त लगेगा अभी उनके अस्तित्व को स्वीकार करने में। एलियंस की मौजूदगी का सबसे बड़ा कबूलनामा। इसराइल के स्पेस सिक्योरिटी हेड का बड़ा खुलासा। इसराइल और अमेरिका जानते हैं एलियंस का सच।
कि अमेरिका के एरिया 51 में है एलियन रिसर्च विंग। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो हम जानते हैं, लेकिन उसे साबित करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं होते। ऐसा ही एक सवाल है कि क्या अनंत ब्रह्मांड में पराग्रही यानी एलियन रहते हैं? हम सब ने अक्सर हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में अंतरिक्ष से एलियंस को आते देखा है, जो अक्सर पृथ्वी पर आकर तबाही मचाते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी इनके अस्तित्व को लेकर असमंजस में है। इसी बीच करीब 30 साल तक इसराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले 87 साल के हाइमी शेद ने इस पर से पर्दा हटाते हुए एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। हाइमी शेद ने कहा, ब्रह्मांड में एलियन मौजूद है और उनका अमेरिका और इसराइल के साथ संपर्क भी है। यही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात से वाकिफ है। एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए छिपा कर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। हैमिश ने इसराइल के अखबार यदियोत अहरोनोत से बातचीत में दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति एलियंस के बारे में खुलासा करने ही वाले थे, लेकिन पराग्रहियों यानी एलियंस ने उन्हें रोक दिया। जीवन के 87 बसंत देख चुके शेद ने कहा, एलियंस तब तक लोगों के सामने नहीं आएंगे जब तक कि मानवता विकसित होकर उस स्तर तक पहुंच नहीं जाती, जब तक कि हम स्पेस और स्पेसशिप के बारे में अपनी समझ विकसित नहीं कर लेते। हालांकि शेद ने यह नहीं बताया कि कितने लंबे समय से एलियंस छिपे हुए हैं, लेकिन इतना कहा, एलियंस के साथ कुछ संपर्क डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की यात्रा करने वाले एलियंस और अमेरिकी सरकार के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। कभी इजरायली स्पेस सिक्योरिटी के हेड रहे हैमी शेद ने जो खुलासे किए हैं उस पर ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन बीते 4 दशकों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एलियन एनकाउंटर की कई खबरें आ चुकी हैं। हैमी शेद ने अपने इंटरव्यू में बताया, एलियंस अमेरिकी एजेंटों के साथ मिलकर ब्रह्मांड के ताने बाने को समझना चाहते हैं। एलियन से कहा गया है कि वो अपनी मौजूदगी के बारे में ऐलान नहीं करें क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इसराइल की स्पेस सिक्योरिटी के जनक कहे जाने वाले हैमी शेद ने ये भी दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप भी एलियंस के बारे में जानते हैं। अपने इंटरव्यू में शेद ने आगे बताया, डोनाल्ड ट्रंप एक बार तो एलियंस की मौजूदगी के बारे में ऐलान करने ही वाले थे, लेकिन गैलेक्टिक फेडरेशन के एलियंस ने उन्हें पहले इंतजार करने के लिए कहा ताकि लोग शांत हो सकें। एलियंस चाहते हैं कि हम पहले मानसिक रूप से हेल्दी और समझदार बने। एलियंस ने अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने के लिए समझौता किया है। हैमी शेद ने अपने इंटरव्यू में एक के बाद एक कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। शेद आगे बताते हैं, अमेरिकी सरकार और एलियंस के बीच समझौता हुआ है। एलियंस ने यहाँ पर परीक्षण करने के लिए हमारे साथ एक समझौते पर दस्तखत किया है। वो भी पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने पर शोध कर रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस काम में उनकी मदद करें। मंगल ग्रह की गहराइयों में एलियंस का एक अड्डा है, वहाँ पर एलियंस के प्रतिनिधि और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। पूरे इजरायली स्पेस डिफेंस चीफ ने दावा किया कि वो आगे जरूर आए हैं, लेकिन उन्हें इस बात की आशा नहीं है कि उनके खुलासे को लोग सच मानेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये खुलासा 5 साल पहले किया होता तो लोग उन्हें पागल समझकर हॉस्पिटल में भर्ती करा देते। हैम ने अपनी खिताब में UFO को लेकर भी कई सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया है। अमित सिंह, इंटरन्यूज़, दिल्ली।
दुनिया भर में यूएफओज और एलियंस को लेकर हजारों कहानियां हैं और घटनाएं दर्ज हैं। स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए कई वैज्ञानिकों ने ये बात भी मानी है कि एलियंस का वजूद है। दुनिया भर में एलियन एनकाउंटर से कई सबूत मिले हैं और आइए अब आपको ऐसे 10 सबूत हम दिखाते हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं। क्या हम धरती के लोग दुनिया में अकेले हैं? वर्ल्ड यूएफओ डे मनाने वाले इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। हर साल 2 जुलाई को धरती से दूर की चीजों में रुचि रखने वाले दुनिया भर के लोग अज्ञात उड़नतस्तरियों और पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावनाओं को सेलिब्रेट करते हैं। एलियन की मौजूदगी सिर्फ एक कपोल कल्पना नहीं, इसे साबित करने के लिए आइए आपको ऐसे 10 सबूत दिखाते हैं जो ये साबित करते हैं कि एलियन का अस्तित्व है। पहला सबूत, जर्मनी 1561। दुनिया में सबसे पहले जर्मनी के नूरेमबर्ग में अप्रैल 1561 में लोगों ने आसमान में बड़े ग्लोब्स, बड़े क्रॉस और अजीबोगरीब प्लेट जैसी चीजें देखे जाने का दावा किया। उस समय के चित्रों और लकड़ी की कटिंग से उस घटना की जानकारी मिलती है। दूसरा सबूत, टेक्सास 1897। लोगों ने सिगार के आकार की कोई बड़ी चीज देखी जो कथित तौर पर विंडमिल से जा टकराई, इससे बड़ा हादसा हुआ। ये लिखा हुआ मिलता है कि मलबे से एक एलियन के शव को निकाला गया और किसी अनजान जगह पर उसे दोबारा दफना दिया गया। तीसरा सबूत, रॉसवेल अमेरिका 1947। रॉसवेल जैसे यूएफओ की पर्यायवाची बन चुका है। एक शख्स को क्रैश हुए प्लेन जैसी चीज का मलबा मिला। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें साफ लग रहा था कि स्पेसक्राफ्ट किसी दूसरी दुनिया से आया है। उन्होंने एलियन के शव को देखने का दावा भी किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार एलियन के धरती पर आने की इस घटना को छिपाना चाहती है। चौथा सबूत, दिल्ली 1951। 15 मार्च को सुबह 10:20 पर नई दिल्ली के एक फ्लाइंग क्लब के 25 मेंबर्स ने सिगार के आकार की कोई बड़ी चीज देखी जो करीब 100 फुट लंबी थी। यूएफओ अचानक कुछ देर के बाद आंखों से ओझल हो गया। पांचवा सबूत, वॉशिंगटन डीसी जुलाई 1952। अमेरिका की राजधानी के ऊपर आसमान में लगातार कई अनजान चीजें उड़ती देखी गई। वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट और एंड्रयू एयरफोर्स बेस के रडार पर भी कई अजीबोगरीब चीजों के संकेत मिले। इसी साल एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक लॉन्च किया जिसमें आसमान में संभावित खतरे के बारे में जानकारी जुटाकर उसका विश्लेषण किया जा सके। छठवां सबूत, शिकागो नवंबर 2006। ओहारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गेट नंबर C-17 के ऊपर कोई अनजान चीज उड़ती दिखाई दी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय मीडिया से कहा कि वो इस बात से परेशान है कि ना तो सरकार और ना ही यूनाइटेड एयरलाइंस की ओर से आसमान में चमकीली चीज देखे जाने की जांच की जा रही है। सातवां सबूत, टेक्सास जनवरी 2008। दर्जनों लोगों ने आसमान में एक बड़ी और चमकीली चीज को उड़ते देखा। पास के दो एयरपोर्ट बेस ने कहा कि क्षेत्र में उन्हें कोई भी प्लेन नहीं दिखा। ऐसे में आसमान में काफी नीचे उड़नतस्तरी जैसी चीज क्या थी, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। आठवां सबूत, कोलकाता अक्टूबर 2008। 29 अक्टूबर को पूर्वी कोलकाता में तड़के 3:30 से 6:30 के बीच आसमान में तेजी से एक बड़ी चीज जाती दिखी। इसे एक हैंडीकैम से फिल्माया भी गया। अजीबोगरीब चीज के कई रंग निकलते दिखाई दिए। कई लोगों ने इसे देखा और यूएफओ की एक झलक पाने के लिए ईएम बाईपास पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक न्यूज चैनल ने इसका फुटेज भी जारी किया था। नवा सबूत, चेन्नई और लद्दाख 20 जून। 10 से 20 जून के बीच चेन्नई में कुछ लोगों ने रात में करीब 8:55 पर दक्षिण से उत्तर की तरफ आती एक चमकदार चीज देखी। स्थानीय अखबार में भी खबर छपी। 4 अगस्त को भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख में अज्ञात चीजें आसमान में देखी। बताया गया कि 7 महीने के दौरान अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सेना ने करीब 100 यूएफओ मूवमेंट्स देखे। 10वां सबूत, यरूशलेम जनवरी 2011। प्रत्यक्षदर्शियों और कम से कम 3 कैमरों में कथित तौर पर यरूशलेम में डोम ऑफ रॉक के ऊपर एक चमकीली चीज दिखाई दी जो बाद में तेजी से ऊपर जाती दिखी। खास बात यह है कि ज्यादातर बार यूएफओज अमेरिका में ही देखे गए। कुछ बार ड्रोन बताकर इन्हें खारिज भी किया गया, पर कुछ ग्रहों पर एलियन के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में रिसर्च लगातार जारी है और पूरी दुनिया में लोगों की दिलचस्पी इस मसले पर बनी हुई है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अमेरिका में एक प्रोविंस है जिसे कि नेवाडा कहते हैं। इसी इलाके में अमेरिकन एयरफोर्स का एक सीक्रेट टेस्टिंग सेंटर है जिसे एरिया 51 का नाम दिया गया है। एरिया 51 की हिफाजत यूएस मिलिट्री के साथ साथ सीक्रेट सर्विस CIA के लोग भी करते हैं। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा यूएफओज देखे जाने का दावा किया गया है। अमेरिका की एरिया 51 और एलियन कनेक्शंस को लेकर कई सारी कहानियां हैं। आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि एरिया 51 है क्या
और क्यों इस इलाके में बार बार एलियन एनकाउंटर की खबरें आती हैं। अमेरिका के एक स्टेट है नेवाडा, उसके दक्षिण हिस्से में है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। ये अमेरिकी एयरफोर्स का ओपन ट्रेनिंग रेंज है, इसी जगह को कहते हैं एरिया 51। इसका ये नाम कैसे पड़ा ये नहीं पता है। एरिया 51 से कुछ ही दूर रेचल नाम का एक छोटा सा कस्बा है, बमुश्किल 100 की आबादी वाला। 1947 में वहाँ कुछ खबरें चली कि न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में यूएफओ क्रैश हुआ है। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ को लोग अक्सर एलियंस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसकी ठीक ठीक पहचान ना हो सके उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है। जब और भी यूएफओ देखे जाने के दावे आए तो एयरफोर्स ने इन दावों की जांच शुरू की। इसे नाम दिया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। बाद के सालों में भी यूएफओ देखे जाने की बातें सामने आती रही। 1969 में अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक को खत्म कर दिया। इस समय तक वो यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा दावों की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो खत्म हुआ, लेकिन दक्षिण नेवाडा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे आते रहे। चूंकि इस प्रतिबंधित इलाके में आम लोग नहीं जा सकते और ये 24 घंटे 365 दिन भारी सुरक्षा में रहता है। अगस्त 2013 में सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी की रिक्वेस्ट मांगी गई। इसमें CIA के लॉकहीड U2 प्रोग्राम के बारे में पूछा गया। इसके जवाब में CIA को कुछ डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई करने पड़े। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक एरिया 51 में 1955 से सीक्रेट फ्लाइट की टेस्टिंग होती है, जब से अमेरिकी सेना ने CIA के U2 जासूसी प्लेन की टेस्टिंग शुरू की। U2 किसके पास हो इसे लेकर अमेरिकी एयरफोर्स और CIA के बीच भी संघर्ष चलता रहा। दोनों इसे चाहते थे, मगर फिर ये मिला CIA को। दुश्मन देश में इस तरह के टूही विमान भेजना पारंपरिक तौर पर वायुसेना का काम होता है, वो भी जंग के समय, मगर यहाँ ये काम CIA कर रही थी। प्राइमरी जिम्मेदारी थी CIA की, वायुसेना उसे मदद देती थी। इसे सेना के लोग नहीं अंडरकवर एजेंट चलाते थे, ये होते थे सिविलियन। इनके पकड़े जाने पर सीधे बात अमेरिकी सरकार पर नहीं आती थी। एरिया 51 को लेकर इस औपचारिक जानकारी को अमेरिकी सरकार ने जारी तो किया, लेकिन एलियन एनकाउंटर को लेकर कभी भी कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं हुआ। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। हमने और आपने सिर्फ फिल्मों में देखे हैं, लेकिन ये सभी सबूत और दावे कह रहे हैं कि एलियंस का वजूद है। इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।